राज्य के पूर्व मंत्री तथा नागपुर जिला ही नहीं विदर्भ के कद्दावर नेता सुनील केदार ने एक बार फिर अपना कुशल राजनेता होने का परिचय देते हुए पूर्व उप सरपंच श्याम कुमार बर्वे की सांसद बनाकर अपने कार्यशैली का परिचय देते हुए शिवसेना शिंदे गुट के या यू कहे कि भारतीय जनता पार्टी के राजू पारवे को परास्त कर यहाँ के हम सिकंदर का परिचय दिया है। श्याम कुमार बर्वे की जीत को सुनील केदार की जीत के रूप में देखा जा रहा है। इसके पूर्व भी सुनील केदार ने भाजपा के घर में घुसकर उनके कब्जे में दशकों से चली आ रही पदवीधर मतदार संघ तथा शिक्षक मतदार संघ में उन्हें पराजय का स्वाद चखाया था। श्याम कुमार बर्वे की राउंड दर राउंड बढ़ती बढ़त में शहर कांग्रेस तथा सर्वसमर्थित दलों के कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण नजर आने लगा तथा शाम होते ही सभी कार्यकर्ता शहर के गांधी चौक में इकट्ठा होकर एक साथ सुनील केदार साहिब वारे कांग्रेस आ गई कांग्रेस के नारों के साथ ढोल ताशे तथा आतिशबाजी से गूंज उठे। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष पवन जायसवाल, उपाध्यक्ष दीपक कटारे, पूर्व नगर सेवक तथा गट नेता सुनील चाफेकर, पूर्व नगर सेवक डोमा साव सावजी, दीपक बासवार, बंटू दिवटे, तेज सिंह सावजी, शफीक सैयद, शंकर आगलावी, युवक कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष राजेश कंगारे, युवा समाज सेवी मनोज बसवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे जिला प्रमुख उत्तम कापसे, शहर अध्यक्ष गेंदलाल कमाले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के राजू खांडे, आम आदमी पार्टी के संजय टेंभेकर, युवा कार्यकर्ता अश्विन कारोकार, चंदू कामदार, राहुल धोंगड़े, रूपेश कमाले, अजय महाजन, सेंदु शेख आदि प्रमुखता से उपस्थित रहकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर विजय श्री मनाया गया। किस प्रकार से देखते हैं? सबसे पहले मैं आपको इस जीत पर बधाई देता हूं, सारे सावनेर वासियों को बधाई देता हूं इस शानदार जीत के लिए। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये अप्रत्याशित जीत नहीं थी, ये तय था इस बार कि जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों से, महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त हो चुकी थी और उनको इस बार ये मतपेटी के माध्यम से, वोट के माध्यम से अपना गुस्सा दिखाना, अपना निर्णय जनता ने दिया है और ये जनता की जीत। जीत का पूरे श्रेय जो जाता है वो सुनील बाबू को जाता है, उनके अथक प्रयत्न और लोगों को दिया हुआ प्रतिसाद, ये इस जीत का मुख्य कारण है। जिस प्रकार से सुनील बाबू ने इस क्षेत्र में और पूरे जिले में मेहनत ली है, तो इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो इस इलेक्शन में युवाओं ने बहुत मेहनत की और सबसे ज़्यादा मेहनत सुनील बाबू केदार की है। उन्होंने एक मन में ठान रखा था कि हम बर्वे को जीत के लाना है और उनके मेहनत रंग लाई, उनके साथ में सारे युवा खड़े और वो युवाओं की मेहनत साथ में रंग लाई। सन्मान्य माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, सन्मान्य माजी मंत्री सुनील केदार साहब ठाकरे, इन्होंने जो इंडिया की जो लोकशाही बचाने के लिए जो करते हुए किया है, आज ये तुमको उसका प्रतिसाद जो मिल रहा है रामटेक लोकसभा में, उसका आप ये सब जश्न देखा जा रहा है कि आपके हमारे और मन में जो उत्साह का जो है वो समा नहीं रहा है। ये जीत ये लोकशाही बचाने की है। सही मायने में ये जीत यहाँ बर्वे की नहीं, ये सुनील बाबू की जीत है। उन्होंने जिस दिन ठान लिया था और अपने विश्वास पे खुद के बदौलत उन्होंने जिस दिन वो टिकट खींच के लाई थी और जिस दिन फार्म भरा था उसी दिन वो जीत सुनिश्चित हो गई। ये बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के ऊपर लोगों ने एक बहुत बड़ा जनमत दिया है और लोग जनता उठ चुकी थी, देश की जनता, और रामटेक का चुनाव हमारे सुनील बाबू केदार का पूरा श्रेय है और उन्हीं से जाता है। NBC न्यूज़ के लिए सावनेर से किशोर धुंडेले की रिपोर्ट।